गाइस आज की इस वीडियो के अंदर मेरे पास आपके लिए आपको बताने के लिए काफी बढ़िया न्यूज है। पर गाइस वीडियो शुरू करने से पहले भाई अपने आप यारी रॉकी प्रीव्यू वीडियो नहीं देखे तो गाइस देख लो, डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक है, जाके उसको चेक आउट करो। तो गाइस तो चलो आज के इस नए वीडियो को शुरू करते हैं। पहली खबर जुड़ी गाइस यहाँ पर मंडे नाइट रॉ से, तो गाइस नेक्स्ट वीक के रॉ के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक बड़ा मैच ऑफिशियल कर दिया है। चैंपियनशिप का मैच रनल फेस करेंगे मुस्तफा अली का यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए मैच, इनका मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑफिशियली एडवर्टाइज किया है। यूट्यूब पिछले हफ्ते हमारे जो मुस्तफा अली उन्होंने पिन किया था डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन या सॉरी यूनाइटेड स्टेट चैंपियन रिडल को। तो इस नेक्स्ट खबर भी मैचेस से ही है और गाइस नेक्स्ट वीक के एनएक्सटी के लिए काफी बड़े बड़े मैचेस ऑफिशियल है। सबसे पहले गाइस जी आदि का एक मैच है, उसके बाद विलियम रीगल एक बड़ी अनाउंसमेंट करने वाले हैं, उसके बाद यहाँ पर टोनी स्ट्रॉन्ग वर्सेस इयो शिराई के बीच एनएक्सटी वुमेन चैंपियनशिप के लिए मैच, और भैया सबसे बढ़िया मैच फिन बैलर फेस करेंगे एडम कोल को एनएक्सटी चैंपियनशिप के लिए, ये होगा एनएक्सटी के अंदर मेन इवेंट। और गाइस यहाँ पर से ये बात ऑफिशियल हो चुकी है और गाइस मैं तो गाइस काफी एक्साइटेड हूँ कल होने वाले सॉरी परसों वाले NXT के बारे में। आपको क्या लगता है गाइस कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट गाइस हम स्टोरी के ऊपर बढ़ते हैं और गाइस नेक्स्ट स्टोरी जुड़ी गाइस यहां पर जॉन मॉक्सली के बारे में। तो गाइस जॉन मॉक्सली ने कल AEW डायनामाइट रेवोल्यूशन के अंदर काफी बढ़िया मैच खेला कैनी ओमेगा के साथ, एक डेथ वाला मैच खेला गाइस। उसके बाद वो तो काफी इंजर्ड हो चुके, उनका खून भी निकला। तो गाइस आप जो उसके बाद रेनी ने ट्वीट किया वो मैन मतलब ये क्या हो रहा है, सब क्या कर रहे हो तुम और गाइस यहाँ पर से जो यहाँ पर ये सब ट्वीट के जरिए रहेंगे मैं बता दिया। हम बात करते गाइस नेक्स्ट स्टोरी की, तो गाइस नेक्स्ट स्टोरी जुड़ी आज के हीरो से। तो गाइस आज जो रॉ खत्म है उसके बाद गाइस यहाँ पर मतलब रॉ के टाइम पर शेमस ने ट्वीट किया मैच खत्म होने के बाद, उनके नो कॉन्टेस्ट वाले मैच के बाद शेमस ने ट्वीट किया, अपने फोटो डाला ट्वीट का जो उनको लग रहा है, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो द कॉल इज दिस इज नो कॉन्टेस्ट #WWE Raw। तो इस यहाँ पर से शेमस बताना चाहते हैं कि ऐसा होने के बाद भी से नो कॉन्टेस्ट कहा जाता है। इसी कोड को ट्वीट को रिपीट करते हुए ड्रू मैकइंटायर भी अपने ट्वीट की फोटो डाली, उन्होंने कहा फार फ्रॉम एवर, मतलब यहाँ पर ड्रू मैकइंटायर कहना चाहते हैं कि ये फॉर एवर के लिए मुझे याद रहेगा। और गाइस यहाँ पर से इन दोनों के बीच में सोशल मीडिया के ऊपर काफी ज्यादा भिड़न मच चुकी है। और गाइस यहाँ पर से देखना पड़ेगा भाई नेक्स्ट वीक भी इनका मैच होता है या फिर होता है फास्ट लेन के अंदर। नेक्स्ट खबर है गाइस यहाँ पर सेकंड लास्ट स्टोरी जुड़ी गाइस यहाँ पर रोमन रेंस और डैनियल ब्रायन से। तो गाइस रोमन रेंस वर्सेस डैनियल ब्रायन का मैच ऑफिशियल हो चुका है फास्ट लेन पेपी के अंदर। तो गाइस उसके बाद रोमन रेंस ने ट्वीट किया, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, रोमन रेंस ने कहा वेलकम टू आइलैंड ऑफ रेवोल्यूशन #WWE Fastlane और WWE के कोड को रिट्वीट करते हुए रोमन रेंस ने लिखा। और गाइस यहाँ पर से रोमन कह रहे कि तुम्हारा जो स्वागत है मेरे आइलैंड के अंदर मेरे फ्रीक्वेंसी के अंदर, यानी कि रूमर्स और डैनियल ब्रायन का जो है फ्यूड जो है काफी बड़े होने वाली है। यहाँ से रूमर्स का मानना है कि रूमर्स के तुम अपोनेंट बनते हो तो रूमर्स तुमको एक बड़ा पोस्ट मिलता है, तुम भी बदल जाते हो। तो गाइस मेन खबर जुड़ी गाइस रेसलमेनिया के टिकट्स के बारे में। तो गाइस रेसलमेनिया 37 के टिकट्स आपको पता होंगे गाइस जो है अभी तक जो है WWE ने उसको जो है सेल मर्चेंडाइज नहीं किया था। और गाइस WWE ने ट्विटर के ऊपर ट्वीट डाली है, तो गाइस WWE ने कहा है कि 16 मार्च को ट्यूजडे को गाइस 16 मार्च से जो रेसलमेनिया के ऑल टिकट्स है वो बिकने हो जाएंगे शुरू। और गाइस यहाँ पर से आपको टिकट्स बुक करनी है तो गाइस WWE के जो है 16 मार्च के बाद रेसलमेनिया के टिकट बिकने वाले हैं। तो गाइस पहले ऐसे टाइम तो रेसलमेनिया के टिकट्स सारे बिक जाते हैं और गाइस देखना पड़ेगा रेसलमेनिया की जो है टिकट्स जो है कितने बिक पाते हैं। WWE ने जितने अटेंडेंस बुक की उतनी होती या फिर उससे कहीं ज़्यादा होती है, या फिर WWE के साल काफ़ी बड़े बड़े अटेंडेंस मिलते हैं या फिर नहीं, आपको क्या लगता है गाइस मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना। और गाइस आज की वीडियो कैसे लगी वो भी मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल बने तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाना मत भूलो। आज की वीडियो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।